Hello everyone, welcome to Wordsmith IAS. Today we will learn how to write case studies for UPSC. As you know, case studies consist of section B and it is around 120 marks. So it is very important to score good marks, and you can score much more than in the theoretical section, right? So you need to learn the art of case study writing. So there are generally 6 questions, and it is not that you have to follow the same pattern for each case study. आप उसको चेंज भी कर सकते हो. सो आपको दो तीन थीम्स आनी चाहिए जिससे आप स्टार्ट करोगे और जिससे आप एंड करोगे, ताकि देर इज डाइवर्सिफिकेशन इन योर आंसर राइटिंग. आपका आंसर ऐसा नहीं लगे कि एक मेथड रट के आया है और वही बार बार लिखे जा रहा है. तो उसी पे हम फोकस करते हुए किस तरीके से हम जो है केस स्टडीज़ को अप्रोच करेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, वो मैं आज समझाऊँगा, राइट? तो सबसे पहले जब भी आप केस स्टडी पढ़ें उसमें एक प्रॉब्लम होगी, ठीक? एक प्रॉब्लम है जो आपको सॉल्व करनी है, ठीक है? उस केस स्टडी में जनरली एक मेजर प्रॉब्लम होती है और बाकी छोटी मोटी माइनर प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट? जैसे कि कम्युनल वायलेंस का हम एग्जांपल लेके चलते हैं. सो कम्युनल वायलेंस होने वाला है एक एरिया में, एज अ SP या एज अ पुलिस पर्सनल आपको इन्फॉर्मेशन है या कम्युनल वायलेंस हो गया है. सो कम्युनल वायलेंस एक मेजर इशू है, राइट? कि ये जो है हुआ. अब उसमें मान लीजिए फायरिंग हो गई, तो जो गन्स हैं वो कहाँ से आ रही हैं, ये एक माइनर इशू है, राइट? अगर इलीगल वेपन्स पोजेशन में हैं क्राउड के, तो वो एक माइनर इशू है. तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है और डिफाइन करना है. फर्स्ट स्टार्टिंग जो होगी वो आपकी प्रॉब्लम डेफिनेशन से होगी, कि भाई केस स्टडी पढ़ के आपको समझे या नहीं समझे, और समझे तो क्या क्या समझे. तो इसमें आप लिख सकते हो, द स्टार्टिंग कैन बी द केस स्टडी इन्वॉल्व्स फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, राइट? ये आपका ओपनिंग स्टेटमेंट हो सकता है डायरेक्ट. कोई इसमें स्टेक होल्डर कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वो बहुत मोनोटोनस लगता है कि ये स्टेक होल्डर्स हैं. वो एक तरीका हो सकता है. मैं आपको जो बता रहा हूँ वो मेजरली जो हम फॉलो करेंगे 3 to 4 केस स्टडीज़ में, वो ये तरीका करेंगे. शायद 2 केस स्टडी में आप बदल सकते हो तरीका, बट मेजरली इस पे ही आपको फॉलो करना है, ठीक है? अब इसमें आपने लिख दिया कम्युनल वायलेंस इन द एरिया, राइट? उसके बाद आपने लिख दिया पोजेशन ऑफ इलीगल वेपन्स. अब हो सकता है कि वो जो कम्युनल वायलेंस है वो फैला हो फेक न्यूज की वजह से, तो फेक न्यूज, राइट? सो ये सारी जो है आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की. तो इसमें हमेशा रिमेंबर दैट देयर इज अ मेजर प्रॉब्लम और बाकी जो माइनर प्रॉब्लम्स हैं हमें वो भी आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है? तो ये आइडेंटिफाई कर दिया. एक तरीका ओपनिंग का ये है फर्स्ट, ठीक है? जो हमारा 3 से 4 केस स्टडीज में आपको ये फॉलो करना है. सेकेंड तरीका क्या है, उसमें आपने लिख दिया जो मेजर प्रॉब्लम है, द केस इन्वॉल्व्स कम्युनल वायलेंस प्रॉब्लम इन द एरिया एंड द स्टेक होल्डर्स आर वेरियस स्टेक होल्डर्स. उसमें आपने एक चार्ट बना दिया स्टेक होल्डर्स, और आपने जो है लिख दिया, ठीक है, पुलिस, सोसाइटी एट लार्ज, ओके, रिलीजियस ग्रुप्स एंड सो ऑन. आपने बहुत सारे स्टेक होल्डर्स कर लिए. तो यहाँ पे आपने मेजर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और फिर उसके बाद स्टेक होल्डर्स बना दिया, ठीक है? तो ये दूसरा तरीका है जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो, बट प्रॉब्लम डिफाइन करना ज़रूरी है जिससे पता चले कि अच्छा इस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं. अब दूसरा क्या करना है, ऑल्टरनेटिव्स बताने हैं आपको. आपने पहले ये लिख दिया, फिर उसके बाद इस केस में ऑल्टरनेटिव्स, देखिए हमेशा एक तो होगा कि हम ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, ठीक है? अगर मान लीजिए कम्युनल वायलेंस हो गया है तो आप क्या करोगे, ठीक है? बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होंगे, और एक है कि हमें ये भी करना है और ये भी करना है. तो सबसे पहले अगर मैं कम्युनल वायलेंस की बात करूँ, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अरेस्ट करोगे, शांत करने की कोशिश करोगे, इंटरनेट पे ध्यान दोगे, इंटरनेट बंद करना है या नहीं करना, सेक्शन 144 लगाना है या नहीं लगाना, तो उन सारी चीज़ों पे आप जो है ध्यान दोगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगी. फॉर एग्जांपल आपको फेक न्यूज़ स्प्रेड करने से रोकना, इंटरनेट को देखना पड़ेगा,
पजेशन ऑफ इलीगल वेपन्स, ये कम्युनल वायलेंस के बाद आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जब ख़त्म हो गया है प्राइमरी जो है प्रॉब्लम, कम्युनल वायलेंस की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, उसके बाद आपको इसको नोटिस में लेना पड़ेगा, मे बी एक दो दिन बाद, राइट। आपको FIRs करनी पड़ेंगी, आपको जब्त करने पड़ेंगे हथियार, वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि आपको कम्युनल वायलेंस की जो दिक्कत है उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें हो सकता है कि आपको फायरिंग करनी पड़े, अगर क्राउड मिसमैनेज हो रहा है या क्राउड के पास बहुत ज़्यादा हथियार हैं, राइट। हो सकता है आपको बातचीत करनी पड़े, टॉक्स। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन या आपका जैसा भी केस स्टडी है उसके अकॉर्डिंग आपको ऑल्टरनेटिव्स डिफाइन करने पड़ेंगे। सो आप यहाँ लिखोगे इन द केस, जब प्रॉब्लम डिफाइन हो गई, इन द केस वी हैव वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, ओके। देन आप इसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म डिफाइन कर सकते हो। तो शॉर्ट टर्म में क्या है, अब जो जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि कम्युनल वायलेंस है, सो पहले आप डालोगे फॉर कम्युनल वायलेंस, आप क्या करोगे, स्ट्रेट अवे यू विल सेंड मोर पुलिस इन दैट एरिया। सबसे पहले आप बहुत ज़्यादा पुलिस ढूंढो भेजोगे ताकि आप जो है उसको कंट्रोल में ला सको। आफ्टर दैट सेक्शन 144 अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोगों से बात करोगे, कम्युनिटी को इंगेज करोगे, कम्युनिटी इंगेजमेंट होगा। तो ये तीन बेसिक स्टेप्स हैं जो आपको करने ही करने पड़ेंगे। आप उसके बाद लिखोगे इवन एंड इफ रिक्वायर्ड टू एंड इफ द क्राउड्स इज नॉट डिस्पर्सिंग यू विल यूज फोर्स एज पर द रूल्स, ओके। अगर आपको रूल पता है तो आप जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है, कि ये रूल के अकॉर्डिंग मैं जो है फोर्स यूज करूंगा, अदरवाइज मैं फोर्स यूज नहीं करूंगा। वो आपको इफ करके लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो ऑल्टरनेटिव्स में जो है आपको जितने भी मैक्सिमम आप सोच सकते हो कि अच्छा ये नहीं हुआ तो ये होगा, वो आपको वहाँ पे बताना है, ठीक है। सिमिलरली फॉर फेक न्यूज़, द सेकंड प्रॉब्लम जो है फेक न्यूज़ की, उसके लिए मैं इंटरनेट शट डाउन कर दूंगा, ठीक है। इमीडिएट टर्म में मैं यही करूँगा, इंटरनेट शट डाउन कर दूंगा। लिटरेसी वो सब बाद में आएगा, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेटिव्स हैं उस केस में, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम क्या है, पोजेशन ऑफ इलीगल वेपन्स, सो आई विल इंगेज कम्युनिटी टू सरेंडर देयर वेपन्स। तो सरेंडर वेपन्स करेंगे, उनके वेपन्स को ले लिया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा, कैमरा रिकॉर्डिंग कराई जाएगी, एंड ऑल दोज थिंग्स यू हैव टू मेंशन। तो जितना भी आप इसमें मेंशन करोगे, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म अगर डिफाइन कर सकते हो तो इट्स वेल गुड। तो हर प्रॉब्लम के लिए आपको एक ऑल्टरनेट बताने हैं कि ये चीज़ें मैं करूँगा। अब आपने बोल दिया कि मैं वॉयलेंस मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेट से आपने फायरिंग का बोला कि आप फायर करोगे, एयर फायर करोगे, या आपने बोला कम्युनिटी इंगेजमेंट करोगे, तो क्राइटेरिया ऑन विच एनालिसिस विल बी डन, इट मींस कि आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि क्यों, राइट। सो आप लिखोगे कि द कम्युनिटी विल बी द कम्युनिटी लीडर्स फ्रॉम बोथ द साइड्स विल बी इंगेज बिकॉज इट विल हेल्प इन कंसेंसस बिल्डिंग। सो दिस वर्ड कंसेंसस बिल्डिंग शुड बी देयर एंड इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग टेंशन, राइट। और इसको और डिफाइन करना है तो एथिकल जो टर्म्स हैं वो आपको यूज़ करनी पड़ेगी क्राइटेरिया में, राइट। तो एथिकल टर्म्स यूज़ नहीं करोगे जब तक आपका आंसर अच्छा नहीं लगेगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो क्राइटेरिया में जैसे क्या क्या एथिकल टर्म्स हैं, ऑब्जेक्टिविटी, कंपैशन, राइट, टॉलरेंस, ऑल दोज थिंग्स नीड टू बी यूज, न्यूट्रैलिटी। सो इसमें आप लिखोगे बिकॉज फॉर एग्जाम्पल फेक न्यूज़ है, अब आपने इंटरनेट बंद कर रहे हो तो उसको आप रीज़न भी देना पड़ेगा। जब आपने ऑल्टरनेटिव में लिखा कि इंटरनेट आई विल शट डाउन द इंटरनेट और इंटरनेट विल बी शट डाउन फॉर द मोमेंट बिकॉज इट विल हेल्प इन स्टॉपिंग फेक न्यूज़ एंड प्रमोट वॉट, ओके, एंड इट विल हेल्प इन प्रमोटिंग एक्स वाई जेड, कोई भी एक वैल्यू आपको वहाँ पे बतानी पड़ेगी, ठीक है ना। इसी तरीके से जब आपने बोला कि मैं उल्माज और उन सबको इंगेज करूँगा, लेट्स से इट्स एन इशू लाइक दिस, तो आप उसमें बताओगे कि इट विल बी हेल्प इन कंपैशन, डेवलपिंग कंपैशन इन द पीपल फॉर अदर पीपल, बिकॉज एक रिलीजियस हेड अगर कुछ कह रहा है तो वो उसका इम्पैक्ट होगा। तो इस तरीके से आपको जो है फोकस करना है, ठीक है। तो एनालिसिस कर दिया जाएगा किसी क्राइटेरिया के बेस पे। जो क्राइटेरियाज होंगे वो बेसिकली वैल्यूज़ होते हैं कि किस वैल्यू के बेस पे आप बोल रहे हो,
इससे क्या होगा, क्यों ऐसा कर रहे हो, वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं इंटरनेट शट डाउन कर दूंगा ताकि स्प्रेड न्यूज़ नहीं फैले नहीं, और इट विल हेल्प इन मैक्सिमाइजिंग गुड फॉर द मैक्सिमम पीपल। अब इंटरनेट बंद करने से क्या होगा, बहुत सारे और भी काम रुक जाएंगे, राइट? बट आपको ये बताना है कि इसके इससे ये होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल विल बेनिफिट। सो ये कौन सा प्रिंसिपल है? यूटिलिटेरियनिज्म, राइट? तो अगर आप ये वर्ड मेंशन कर रहे हो केस स्टडी में दैट इट इज़ बेस्ड ऑन यूटिलिटेरियनिज्म, देन इट विल हैव वेरी डिफरेंट इम्पैक्ट एंड एटलीस्ट वन मार्क विल बी गिवन टू यू, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे इस चीज़ के। अभी क्या होता है यूटिलिटेरियनिज्म वगैरह वगैरह, आप वीडियोस देखिए एक बार, जो भी मैंने फुल लेंथ वीडियोस बनाए हैं, एंड यू विल बेनिफिट फ्रॉम देम, राइट? सो एनालिसिस विल बी डन ऑन दैट बेसिस। तो उसके बाद डिसीजन मेकिंग होना है, ठीक है? तो आपने जब फाइनली आपको जो है डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप ये इम्प्लीमेंट करोगे, ये इम्प्लीमेंट, तो इसमें से मान लीजिए आपने बोला कि मैं फायरिंग कर सकता हूँ, मैं कम्युनिटी को एंगेजमेंट कर सकता हूँ, या ये कर सकता हूँ, या बहुत सारे ऑल्टरनेट्स बताए। कई बार क्वेश्चंस में ही ऑल्टरनेट देते हैं वो कि ये ऑल्टरनेट है, इसमें से कौन सा लोगे आप, तो वो आपको एनालिसिस करना है ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया। तो ये वाला पार्ट ही करना पड़ता है, ये आपको ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन में पहले से ही दे देते हैं, राइट? ठीक है, तो वो चीज़ का ध्यान रखना है। अब आपने डिसीजन भी ले लिया कि मैं ये, अब इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, राइट? तो इम्प्लीमेंटेशन के लेट से आपको पॉजिटिव न्यूज़ फैलाना है, राइट? आपको अपील करना है लोगों से, तो आप किसकी हेल्प लोगे? मीडिया की हेल्प लोगे, आप एनजीओस की हेल्प लोगे, तो आपको मेंशन करना है मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूंगा, ठीक है? आपको कोई मैसेज देना है, ठीक है, फॉलो गाइडलाइंस सेक्शन 144 का, या जो भी है वो आपको इम्प्लीमेंटेशन प्लान किस तरीके से, कौन से स्टेक होल्डर्स को आप लेके साथ चलेंगे, वो आपको बताना पड़ेगा। आपको इंटरनेट शट डाउन करना है तो किस तरीके से करोगे आप, वो पूरा आपको बताना पड़ेगा। तो ये एक आइडियल आंसर है जो आपको देना है वाइल यूजिंग केस स्टडीज़, राइट? अब इसमें दो तीन तरीके होते हैं जो मैंने बता दिया। पहला आप है स्टेक होल्डर अप्रोच से बता सकते हो एक कि मैं ये स्टेक होल्डर्स हैं, इनकी हेल्प से करूँगा। दूसरा आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है केस स्टडी को आंसर करने का? तीसरा तरीका हो सकता है द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन द केस स्टडीज, वो आप आइडेंटिफाई करो। तो इसमें एथिकल इश्यूज क्या हैं? फॉर एग्जांपल कम्युनल वायलेंस वाला एरिया है तो लैक ऑफ कंपैशन है, टॉलरेंस नहीं है लोगों में, ठीक है। उसके बाद जो है मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन है, इलिटरेसी है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं एथिकल इश्यूज हैं। तो इसमें आप जो सोल्यूशन दोगे वो इसमें लॉन्ग टर्म भी दोगे, शॉर्ट टर्म भी दोगे कि भाई आगे भी ऐसी न्यूज़ ना फैले, आगे भी लोग हथियार नहीं जब अपने हथियार नहीं रखें अपने पास। तो ऐसे बहुत सारे जो है केस आपको आंसर कर सकते हो आप इस तीन तरीके से, और इस पैटर्न को फॉलो करके आप आंसर कर सकते हो। रिसेंटली सारण में जो है एक वॉयलेंस हो गया इलेक्शन के टाइम पे, तो आप कैसे उसको हैंडल करोगे, क्या होगा, राइट? वो आप केस स्टडी पढ़िए और इसको लिख के देखिए कि किस तरीके से आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हो। ये बेसिक फ्रेमवर्क है जो मैंने बता दिया, आप इसको अप्लाई करके देखिए। एंड वी विल टेक मैनी मोर एग्जाम्पल्स इन द अपकमिंग वीडियोज वेयर वी विल डिस्कस PYQs फॉर द केस स्टडीज, राइट? आई होप इट इज़ क्लियर, और बहुत डाउट नहीं रखना है, ये बेसिक है, इसको आप देखिए, समझिए और आंसर करने की कोशिश करिए खुद से। थैंक यू सो मच।